इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग बर्ड के बारे में। हेडिंग 1.1 रिप्रोडक्शन लाइक बाय इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजेनी संतान प्रोड्यूस करना है। प्रोजेनी के फीचर लगभग पेरेंट्स से मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजाई लाखों असेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीप्लाई कर आसानी से फैलती है। ईस्ट एंड हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया बोलें तो प्लेटफॉर्म में ट्रू रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और इस प्रकार प्लेनेरिया का एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजाई फिलामेंटस एल्जी मोसेस के प्रोटेनिमा सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्जी या अमीबा में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सेल की संख्या का बढ़ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं जैसे म्यूल स्टराइल वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एसेट्रा। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।